आदाब, मैं हूं अरमान मलिक लखनऊ से। आज हजरतगंज जीओपीओ पे एक बहुत ही बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बहुत से एनजीओ और बहुत से संगठन से महिलाएं आके उस धरना को सफल बनाई और उसका समर्थन किया। समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि एक धरना था, समर्थन वो इसलिए किया गया कि एक महिला की बात थी, और महिला की बात जब यहाँ पे आती है तो इसलिए ये खास हो जाता है क्योंकि जो सरकार चल रही है इसका मुख्य एजेंडा यानी मुख्य जो नारेबाजी लेके चुनावी मैदान में आई थी वो सिर्फ इसीलिए आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके चुनाव में आई थी, और कहीं ना कहीं वो इस मामले में फेल है। ये मैं नहीं, अभी इनसे बातचीत होगी तो ये भी जवाब देंगी। मैं बात कर रहा हूँ उन्नाव में हुए एक गैंगरेप का, जो बीजेपी के कुलदीप सिंह विधायक द्वारा इस बड़े गैंगरेप को अंजाम दिया गया। लेकिन जब सबसे शर्म की बात एक ये है कि अब तक न तो FIR हुई और न ही गिरफ्तारी हुई। क्या मामला है, ये पूरा मामला हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या राय है आप, किसकी और क्या मांगे कर रही हैं आप इस पर? राय क्या है, महिलाएं बहुत असुरक्षित हो गई हैं। जो सुरक्षा की बात करके ये BJP आई थी और आज की तारीख में ये दूसरी पार्टियों को दोष देती है कि उनकी सरकार के समय में ऐसा था, उनकी सरकार के समय में वैसा था। तो मुझे आज माननीय आदित्यनाथ जी से एक जवाब चाहिए कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है। आपके अपने विधायक पर बलात्कार के आरोप हैं, आप एक पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री के ऊपर लगे हुए बलात्कार के आरोपों को खारिज करवा रहे हैं, उस पर लगे हुए केस को आप ख़त्म करवा रहे हैं। तो आज हम महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक सवाल और कि जाति का जो मामला आ रहा है कि पीड़ित गैंगर पीड़ित भी उसी जाति की और मुजरिम भी उसी जाति का है, थाना अध्यक्ष भी उसी जाति का है, सरकार भी उसी जाति की, वहाँ से कहीं ना कहीं असफल वाला मामला है, तो उस पर क्या है आपकी? नहीं, ये तो बड़ा, मतलब आप समझिए कि भगवान ने कुछ सोच करके इन्हीं की जाति को सामने किया है कि आप देखिए कि इस समय जातियां दो हैं, एक पैसे वाले की और एक गरीब की, और कोई जाति नहीं। जो विधायक जी हैं वो जब मुख्यमंत्री से मिलकर निकले हैं बाहर तो उन्होंने कहा है कि ये निम्न स्तर के लोग हैं। उनका कैसे निम्न स्तर के लोग हैं भाई? पहले अच्छा, तो आपको कैसे ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार योगी सरकार कहीं ना कहीं उस विधायक का बचाव कर रही है? नहीं, विधायक का बचाव कर रही है, योगी सरकार को एक साल हुआ है। ये घटना पिछले साल जून की है, वो लड़की लगातार तब से FIR कराने के लिए दर दर भटक रही है, न्यायालय में गई है, वहाँ तक जाने के बाद भी उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है। अब उसके पिता को मार दिया गया है मगर आज की तारीख में भी FIR दर्ज नहीं हुई है, तो हम क्या उम्मीद करें योगी सरकार? अच्छा, आप क्या नंबर देंगे सरकार को और आने वाले 19 में जो चुनाव आने वाला उस पर क्या? नहीं, सरकार को तो 0 नंबर है। और 2019 में? 2019 में ये आना ही नहीं वाली है। अगर यही हाल रहेंगे तो कौन सी महिला इनको वोट देने वाली है? मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो बिल्कुल नहीं देने वाली। जो भी देना चाहें वो दें और उसके बाद मरें, उनकी लड़कियां मरें, उनके बाप मरें, उनके पति मरें, क्या है यहाँ पर? कोई नहीं बचेगा, सिर्फ योगी जी बचेंगे और मोदी जी बचेंगे, वही देश चलाएंगे, अपने लिए देश चलाएंगे, अपने लोगों के लिए देश चलाएंगे। इनके विधायक और सांसद राज करेंगे, औरतें मारी जाएंगी, ये अपने घरों में बैठ जाएंगी, बस ये होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी शिल्पी जी लखनऊ GPO से। आदाब दोस्तों, मैं हूँ अरमान मलिक अपने सहयोगी मित्र खुर्शीद अहमद के साथ।